आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के बारे में। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था सैम्पल एंड होल्ड सर्किट की जो एप्लीकेशन होती है वो फर्स्ट एप्लीकेशन होती है कि एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन में उसका यूज़ किया जाता है। तो कैसे हम उसका यूज़ करते हैं और क्या होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक, तो नाम से जैसे आपको पता लग रहा है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, इट मींस एनालॉग को कन्वर्ट करना डिजिटल सिग्नल में क्या कहलाता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। ठीक है, तो क्या करता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, वो कोई भी एनालॉग इनपुट VA को एज एन इनपुट वो लेता है और क्या करता है एक डिजिटल आउटपुट D को जनरेट करता है, जहाँ पर डिजिटल आउटपुट जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, एनालॉग इनपुट के प्रोपोर्शनल होगी। अब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हमारे पास कई टाइप के हो सकते हैं, तो जो सबसे फर्स्ट टाइप है वो हो सकती है फ्लैश टाइप, ठीक है, ADC। सेकेंड हो सकता है काउंटर टाइप ADC। थर्ड ट्रैकिंग टाइप ADC। फोर्थ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप ADC और द फिफ्थ वन इज डुअल स्लोप ADC। तो ये हमारे पास कुछ इसके टाइप हो सकती है, लेकिन टाइप्स को समझने से पहले हम सबसे पहले समझने वाले हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन में हमारे पास तीन प्रोसेस होते हैं। ठीक है, सबसे जो फर्स्ट प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग। ठीक है, क्या होता है हम अभी स्टडी करेंगे। सेकंड प्रोसेस जो होता है वो होता है हमारा क्वांटाइजेशन। ठीक है, सेकंड प्रोसेस क्वांटाइजेशन एंड द थर्ड प्रोसेस इज क्वांटाइजेशन के बाद जो हमारे पास थर्ड प्रोसेस आता है वो आता है हमारा एनकोडिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन प्रोसेस होते हैं, तीन स्टेप होते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के प्रोसेस में। तो वन बाय वन हम इनको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सैम्पलिंग की। ठीक है, तो क्या होती है सैम्पलिंग और कैसे करते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम एनालॉग सिग्नल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कर रहे हैं तो इसका मतलब जो इनपुट सिग्नल होगा वो कैसा होगा, एक एनालॉग सिग्नल होगा, और वो जो एनालॉग सिग्नल है वो हम लेट कर लेते हैं कि एक साइनोसोइडल सिग्नल है। ठीक है, साइनोसोइडल सिग्नल है तो इसका मतलब जो गिवन सिग्नल है वो हमारा क्या होगा, वो कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, मतलब एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती रहेगी, वो चेंज होती रहेगी कंटिन्यूसली। इस टाइम पर इसकी वैल्यू ये होगी, फिर ये वैल्यू होगी, नेक्स्ट टाइम पर ये, तो इस टाइप से कंटिन्यूसली इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती रहेगी, वेरी होती रहेगी। ठीक है, तो अगर हम इस टाइप के सिग्नल को कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका अगर हम कन्वर्जन कर रहे हैं, तो कंटिन्यूसली वेरी करने की वजह से जो फाइनल वैल्यू आएगी, डिजिटल जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, वो एररनेस आएगी, उसके अंदर एरर आएगा, क्योंकि वो कंटिन्यूसली चेंज करती जा रही है, वो एक जगह पे फिक्स ही नहीं है। ठीक है, तो ड्यूरिंग कन्वर्जन हम क्या करते हैं, सैम्पल एंड होल्ड सर्किट का यूज़ कर लेते हैं इस इनपुट वोल्टेज को होल्ड करने के लिए। भाई कंटिन्यूसली वेरी कर रही है तो हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। अब मान लो 1 वोल्ट आया, 1 वोल्ट को हमें कन्वर्ट करना था, लेकिन जैसे ही 1 वोल्ट ख़त्म हुआ तभी हमारा 2 वोल्ट आ गया, या 1.5, 1.6 इस टाइप से 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5 आ गया, तो कंटिन्यूसली ये क्या करती जा रही है, वेरी करती जा रही है, तो इस टाइप का कन्वर्जन क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट। तो क्या करना होगा, अगर मान लो हमें 1 वोल्ट को कन्वर्ट करना है तो इस 1 वोल्ट को हमें क्या करके रखना पड़ेगा, कुछ टाइम तक होल्ड करके रखना पड़ेगा जब तक इसका कन्वर्जन ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद जब वैल्यू हमारे पास 2 वोल्ट आएगी उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा जब तक उसका कन्वर्जन ना हो जाए। तो इसीलिए हम यहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, सैम्पल एंड होल्ड सर्किट का यूज़ करते हैं उस वैल्यू को होल्ड करने के लिए जिसको हमें कन्वर्जन करना है। तो क्या होता है हमारा कि ये कोई भी इनपुट एनालॉग सिग्नल था। ठीक है, यहाँ पर हम इसको किस पर अप्लाई करेंगे, सैम्पल एंड होल्ड सर्किट पर, जो इनपुट का उस पार्ट को होल्ड करके रखेगा जिसको हमें कन्वर्जन करना है। फिर उसका कहाँ पर हम सेंड कर देंगे, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को सेंड कर देंगे, जो कि हमें उसकी डिजिटल आउटपुट देगा, जिस वैल्यू को 1 वोल्ट को जैसे होल्ड करके रखा है तो 1 वोल्ट को किस में कन्वर्ट कर देगा, वो डिजिटल
सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारा सिंपल सा सर्किट होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का। और सैम्पल एंड होल्ड सर्किट आप पहले ही स्टडी कर चुके हैं, लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया है कि सैम्पल एंड होल्ड सर्किट के अंदर क्या होता है। हमारे पास दो वोल्टेज फॉलोवर सर्किट होते हैं, एक कैपेसिटर होता है और एक स्विच होता है। वोल्टेज फॉलोवर ये फर्स्ट सर्किट है, तो जहाँ पर जो भी हम इनपुट अप्लाई करेंगे उसी को फॉलो करते हुए हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगी, आउटपुट। मतलब आउटपुट किसके इक्वल आएगी, इनपुट के इक्वल आएगी। अब जैसे हम स्विच को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, स्विच को क्लोज करते ही ये इनपुट वोल्टेज कहाँ जाएगी, इस कैपेसिटर के पास। तो कैपेसिटर क्या है, इसकी पीक वैल्यू तक चार्ज होना शुरू करेगा। चार्ज होने के बाद जैसे हम स्विच को ओपन करेंगे तो कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज होने के लिए पाथ ढूंढेगा, लेकिन क्योंकि स्विच ओपन है, ठीक है, तो यहाँ से डिस्चार्ज नहीं हो सकता, तो ये उस वैल्यू को होल्ड करके रखेगा। होल्ड करने के बाद जो भी वैल्यू होगी यहाँ पर, ठीक है, ये वोल्टेज फॉलोवर सर्किट है दूसरा, तो जो भी वैल्यू होगी वो हमें कहाँ मिल जाएगी, वो आउटपुट पर मिल जाएगी, ठीक है। बट ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है सैम्पल एंड होल्ड सर्किट। और अगर हमें क्या करना है, उसको डिजिटल डेटा के अंदर कन्वर्ट करना है, तो उस वैल्यू को हमें क्या कर कर रखना होगा, एक पर्टिकुलर टाइम तक होल्ड करके रखना होगा, ठीक है, ताकि हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज आए वो कैसी आए, वो कांस्टेंट आए। लेकिन हम उसकी जो सैम्पलिंग हम कर रहे हैं यहाँ पर, सैम्पलिंग और होल्डिंग जो कर रहे हैं, वो कितनी फास्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड की जाती है नाइक्विस्ट थ्योरम से, ठीक है। जो हम सैम्पलिंग और होल्डिंग का ये जो काम कर रहे हैं इनपुट वोल्टेज का, तो वो कितनी फास्ट होना चाहिए वो कौन डिसाइड करता है, वो ये थ्योरम डिसाइड करती है। तो ये क्या कहती है ये थ्योरम, देखिए एक बार पढ़ लेते हैं, क्या कहती है ये थ्योरम। ये थ्योरम कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी बैंड लिमिटेड, अभी हम इसका मतलब समझेंगे कि क्या होता है, पहले एक बार देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई भी बैंड लिमिटेड एनालॉग सिग्नल है जिसको हमें सैंपल करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस सिग्नल को दोबारा से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उन सैंपल से ही, ठीक है। ये कोई भी हमारे पास एक बैंड लिमिटेड एनालॉग सिग्नल है जिसको हमें क्या करना है, सैंपल करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके ओरिजिनल सिग्नल को हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इन्हीं सैंपल की हेल्प से। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये है कि जो सैंपलिंग फ्रिक्वेंसी है वो क्या होनी चाहिए, वो ग्रेटर होनी चाहिए ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, तभी हम उस सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सिंपल अगर हम समझें तो ये कह रहे हैं हम कि अगर हमें किसी ओरिजिनल सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करना है, ओरिजिनल सिग्नल को फिर से बनाना है उसके सैंपल से, ठीक है, उस सिग्नल के सैंपल से, तो हमें क्या करना होगा, हमें सैंपलिंग फ्रिक्वेंसी को ग्रेटर रखना होगा इस ओरिजिनल सिग्नल की जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है उसके दोगुने से, ठीक है, तभी हम क्या कर सकते हैं, उन सैंपल से ओरिजिनल सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एक बैंड लिमिटेड एनालॉग सिग्नल है जिसकी हमें सैंपलिंग करनी है, सबसे पहले हम सैंपलिंग करेंगे, और अगर उसी सैंपल्ड सिग्नल से हमें ओरिजिनल सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए जो सैंपलिंग फ्रिक्वेंसी है वो क्या होनी चाहिए, वो ग्रेटर होनी चाहिए ट्वाइस ऑफ द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ ओरिजिनल सिग्नल। अब यहाँ पर हम बैंड लिमिटेड वर्ड जो है वो बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो इस बैंड लिमिटेड का क्या मतलब होता है, हमारे पास जो ओरिजिनल सिग्नल होगा उसकी एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी भी होगी और उसकी एक मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी भी होगी, और इसको हमने पुट किया है कर्ली ब्रैकेट में, तो इसका मतलब क्या हुआ, जितनी भी फ्रिक्वेंसीज हैं, ठीक है, वो इस मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में लाई करनी चाहिए, ठीक है, ना तो मिनिमम ना मैक्सिमम, उनके बीच की जितनी भी फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, बैंड लिमिटेड का मतलब है जितनी भी फ्रिक्वेंसी है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, इस रेंज में लाई कर रही है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बैंड लिमिटेड सिग्नल हो जाएगा, ठीक है। जो कंप्लीट सिग्नल है वो तो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, जो ओरिजिनल सिग्नल है उसकी एक मिनिमम और मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ले लेते हैं, और उनके बीच में जितनी भी फ्रिक्वेंसीज हैं, ठीक है, जो कि उसके अंदर लाई कर रही है, तो उनको कंसीडर करेंगे, तो हमारा सिग्नल कैसा बन जाएगा, बैंड लिमिटेड एनालॉग सिग्नल हो जाएगा,
ठीक है। अब सैम्पलिंग रेट, सेकंड जो चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है इस नेक्वेस्ट थ्योरम में, वो क्या है, सैम्पलिंग रेट, जो कि क्या होना चाहिए, एफ एस ग्रेटर देन होना चाहिए ट्वाइस ऑफ एफ मैक्सिमम। सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी से दो गुना होनी चाहिए, तभी हम ओरिजिनल सिग्नल को क्या कर सकते हैं, उस सैम्पल से रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और अभी इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल भी कंसीडर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और हम यहाँ पर चीज़ देख लेते हैं कि अगर हमारे पास सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी कम होती है या इसके इक्वल होती है ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी के, तो हमारे पास सिग्नल के अंदर क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, और वो एरर जो है वो क्या कहलाता है, एलाइजिंग एरर कहलाता है। तो क्या कहता है ये एलाइजिंग एरर, कि अगर हमारे पास एनालॉग सिग्नल जो है उसकी जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है वो लेस है ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी से, तो जो भी हमारे पास सैम्पल्ड सिग्नल, सैम्पल्ड जो वैल्यूज़ हैं उनसे जो सिग्नल बनेगा वो हमारा ओरिजिनल सिग्नल से क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसकी वजह से जो एरर आ रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, वो ही एलाइजिंग एरर कहलाएगा। अगर ये कंडीशन है एफ एस लेस देन ट्वाइस ऑफ एफ मैक्सिमम है, तो हम ओरिजिनल सिग्नल को रिकन्स्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे सैम्पल से। ठीक है, सैम्पल्स क्या रहे, सैम्पल से जो भी सिग्नल तब जनरेट होगा वो क्या रहेगा, ओरिजिनल सिग्नल से डिफरेंट रहेगा। तो इस वजह से जो एरर आ रहा है वो क्या कहलाएगा, हमारे पास एलाइजिंग एरर कहलाएगा। ठीक है, ये एरर होता क्या है, ये थ्योरम क्या होती है, ठीक है, इन सभी को हम एक एग्जाम्पल से स्टडी करने वाले हैं। इनके अलावा हमें एक और पोस्टुलेट है जिसको कंसीडर करना होगा ओरिजिनल सिग्नल को सैम्पल्ड वैल्यू से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो क्या है, वो है वोल्वेनो पोस्टुलेट। तो क्या कहता है वोल्वेनो पोस्टुलेट, कि अगर हमारे पास कोई भी एनालॉग सिग्नल है और एफ मैक्सिमम उसकी लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, कम से कम 10 बार से ज़्यादा, ठीक है, हमें क्या करना होगा, मैक्सिमम जो फ्रिक्वेंसी है उसके 10 टाइम से ज़्यादा वैल्यूज़ को सैंपल करना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अब इन तीनों को हम स्टडी करने वाले हैं एग्जांपल से, नाइक्विस्ट थ्योरम, ठीक है, उसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए, एलाइजिंग एरर, अगर ये कंडीशन हमारे पास आती है तो जो एरर आता है वो एलाइजिंग एरर, और जो सिग्नल बनेगा वो ओरिजिनल से अलग होगा, और जो थर्ड पोस्टुलेट है वो क्या है, कि हमें कम से कम 10 टाइम्स ज़्यादा क्या करना होगा, सैम्पलिंग करनी होगी, तभी हम ओरिजिनल सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम लेते हैं एक एग्जांपल। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारे पास 1000 हर्ट्ज का सिग्नल है, ठीक है, जिसको हमें सैम्पल करना है 2000 हर्ट्ज पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल है उसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है ये 1000 हर्ट्ज। ठीक है, तो एफ मैक्सिमम हमारे पास कितना हो गया, 1000 हर्ट्ज। सैम्पलिंग किस पर करनी है, 2000 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर, तो इसका मतलब सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी क्या हो गई, 2000 हर्ट्ज, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी का क्या हो गई, ट्वाइस। ध्यान रखना ये जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है वो इक्वल है ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी के। हमने क्या पढ़ा था कि वो ग्रेटर होनी चाहिए तभी हम कर सकते हैं, यहाँ पर हम इक्वल का केस ले रहे हैं। ठीक है, तो एफ एस क्या है हमारी, वो इक्वल है ट्वाइस ऑफ एफ मैक्सिमम के। ठीक है, ये हमारे पास टाइम चल रहा है, इधर ये हमारे पास जो आपको सॉलिड कर्व ये दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास है ओरिजिनल सिग्नल। ठीक है, ये ओरिजिनल सिग्नल है। अब हमने जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी ली है वो कितनी है, वो है 2000 हर्ट्ज। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर टाइम अगर हम यहाँ से निकालें तो वो क्या होता है, 1/2 में फ्रिक्वेंसी, मतलब 1/2 में 2000, और अगर हम इसको सोल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, 1/2 × 10⁻³, और अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो 0.5 × 10⁻³ सेकेंड, या फिर अगर हम इसको कहें तो कैसे लिख सकते हैं, 1, 2, 3 and 5 इतने सेकेंड। ठीक है, तो इस सेकेंड पर, इतने हर सेकेंड पर हमें क्या करना है, वैल्यूज़ को सैम्पल करना है। ठीक है, तो ये क्या था, ओरिजिनल सिग्नल हमारा चल रहा था। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास है वैल्यू कितनी, 0.001, तो इसका अगर हम हाफ करते हैं तो क्या बनेगा, 0.0005 सेकेंड। ठीक है, तो इस टाइम पर हमने क्या किया, एक सैम्पल ले लिया। ठीक है,
इस टाइम पर हमने क्या किया, एक सैंपल ले लिया इनपुट का, ये वैल्यू हो गई। उसके बाद फिर से इतने टाइम के बाद फिर से हमने एक सैंपल लिया, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। उसके बाद इतने टाइम के बाद फिर से हमने क्या लिया, एक सैंपल लिया, तो ये वैल्यू। उसके बाद फिर से हमने क्या लिया, सैंपल लिया, तो हमारे पास ये वैल्यू। तो इस टाइप से हम सैंपल लेते चले गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन सैंपल्ड वैल्यू से ओरिजिनल सिग्नल को जनरेट करना है। तो क्या करना है, ओरिजिनल सिग्नल जनरेट करने के लिए ये जो आपकी सैंपल्ड वैल्यूज़ हैं इनको आपको सिंपली कनेक्ट करना है स्ट्रेट लाइन से। तो कनेक्ट कीजिए स्ट्रेट लाइन से। ये पहला सैंपल हमने लिया था, अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं नेक्स्ट सैंपल से एक स्ट्रेट लाइन से, तो ये बनता है। इस सैंपल्ड वैल्यू को कनेक्ट करें नेक्स्ट सैंपल्ड वैल्यू एक स्ट्रेट लाइन से, ये बनता है। तो इस टाइप से अगर हम इनको कनेक्ट करते चले जाएं तो क्या मिल रही है, ये एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। जबकि ओरिजिनल सिग्नल तो हमारा क्या था, ये एक साइनोसोइडल सिग्नल था, ठीक है। लेकिन जब सैंपल्ड वैल्यूज को हमने कनेक्ट किया तो क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिली। तो इसका मतलब जो हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल है वो इन सैंपल्ड वैल्यू से जो सिग्नल बन रहा है उनसे अलग है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये एरर आ गया। ये एरर क्यों आया, क्योंकि हमने सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी को क्या कंसीडर किया था, किसके इक्वल, ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी के इक्वल कंसीडर किया था। तो इसका मतलब जो हम फर्स्ट नाइक्विस्ट थ्योरम पढ़ रहे थे वो क्या कहती है, ग्रेटर होना चाहिए तभी हम क्या कर सकते हैं, तभी हम इसको कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास। अब अगर हम बात करें, एक और एग्जांपल लेकर हम इसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट और एग्जांपल हम ले रहे हैं, जो तीनों पॉइंट्स थे हमारे, जो तीनों पॉइंट्स थे वो हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, ठीक है। सेकंड एग्जांपल एक और हमने लिया, 200 हर्ट्ज का जो सिग्नल है वो हमें सैंपल करना है, कितनी फ्रीक्वेंसी पर, 2000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। इसका मतलब जो हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल है उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो है 200 हर्ट्ज, और सैंपलिंग कितनी फ्रीक्वेंसी पर करनी है, वो करनी है 2000 हर्ट्ज पर। वही अगर मैं यहाँ से टाइम निकालूँ तो क्या हो जाएगा, 0.0005 सेकेंड, ठीक है, टाइम अगर हम निकाल रहे हैं तो। तो देखिए, ये हमारे पास कोई भी एक ओरिजिनल कर्व है, ठीक है, ये जो सॉलिड कर्व आपको दिखाई दे रहा है ये कोई भी ओरिजिनल कर्व है। सैंपलिंग कितने पर करनी है, 0.0005 सेकंड पर करनी है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस टाइम पर एक सैंपल ले लिया जो हमारे पास इनपुट था उसका, तो ये बनेगी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद इतने ही टाइम के बाद फिर से हमने क्या लिया, एक सैंपल लिया, तो ये वैल्यू आएगी इनपुट से। फिर उसके उतने ही टाइम के बाद हमने क्या किया, फिर से एक वैल्यू कंसीडर की, तो हमारे पास ये वैल्यू हो गई। उतने ही टाइम के बाद फिर से ये थोड़ा सा उतने ही टाइम के बाद हमने फिर से क्या किया, एक वैल्यू कंसीडर की। फिर इसके इतने ही टाइम बाद फिर से एक वैल्यू, फिर से एक वैल्यू, इस टाइप से हम कंसीडर करते जा रहे हैं। अब हमें क्या करना था, हमें उन सैंपल्ड वैल्यूज़ को स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करना था। तो ये पहली सैंपल वैल्यू, उसके बाद ये वैल्यू, तो इनको क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सैंपल्ड वैल्यू को पहले वाली से फिर से क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट सैंपल्ड वैल्यू को पहले वाली सैंपल्ड वैल्यू से फिर से क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन से हम ज्वाइन कर देंगे। तो इस टाइप से अगर हम इन सैंपल्ड वैल्यूज़ को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हुए चले जाएं, तो जो हमारा कर्व बनेगा वो बिल्कुल कैसा बनेगा, वो हमारा यहाँ पर बिल्कुल ओरिजिनल कर्व की तरह ही बनेगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी थी वो इस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के ट्वाइस से काफ़ी ग्रेटर थी, ठीक है। ट्वाइस करेंगे तो 400 हर्ट्ज और ये है 2000 हर्ट्ज। तो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हमारे पास जो fs था वो ग्रेटर था किससे, ट्वाइस ऑफ f मैक्सिमम से। इसीलिए हम ऐसा कर पाए, ओरिजिनल सिग्नल को सैंपल्ड वैल्यू से जनरेट कर पाए, ठीक है। अब लास्टली हमारे पास एक और एग्जांपल हम कंसीडर कर रहे हैं, तीनों को हमें क्लियर करना है, तीनों पॉइंट्स जो थे हमारे पास, ठीक है। अब हमने एक और सिग्नल लिया, ठीक है, जो कि हमारे पास सिग्नल, ओरिजिनल सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो है हमारे पास यहाँ पर 2200 हर्ट्ज, ठीक है। और ये जो हमारे पास सैंपल्ड फ्रीक्वेंसी है वो कितनी ले ली हमने, 2000 हर्ट्ज।
फिर से वही कि हमें क्या करना है, 0.005 सेकेंड पर वैल्यूज को सैंपल करना है। ये जो हमें सॉलिड आपको कर्व दिखाई दे रहा है, सॉलिड कर्व, ये जो सिग्नल है ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल है, साइनोसॉइडल सिग्नल, ठीक है। हमें क्या करना है, हर इतने सेकेंड पर इन वैल्यूज का सैंपल कंसिडर करना है। तो देखिए, इस टाइम पर इनपुट की क्या वैल्यू है, इस टाइम पर जो इनपुट की वैल्यू है वो ये आ रही है, तो हमने ये कंसीडर कर लिया, ठीक है। फिर अगले टाइम पर फिर से हमारे पास इनपुट की ये वैल्यू मिल रही है, तो हमारे पास ये वैल्यूज हो जाएगी। उससे नेक्स्ट इतने ही टाइम के बाद फिर से इनपुट की ये वैल्यू मिल रही है, तो ये हो जाएगा। उससे नेक्स्ट इनपुट की क्या वैल्यू मिल रही है, ये वैल्यू मिल रही है, तो ये सैंपल हमने कंसिडर कर लिया। उसके इतने ही टाइम के बाद, 0.005 सेकेंड के बाद फिर से हमें इनपुट की ये वैल्यूज़ मिल रही है, तो हमने ये वैल्यू कंसिडर कर ली, ठीक है। अब हमें क्या करना होता था, सैंपल्ड वैल्यूज़ को स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करना हो, ज्वाइन करना होता था। तो देखिए, ये हमारे पास सैंपल्ड वैल्यू है, इनको अगर हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते चले जाएँ, ठीक है, तो ये हमने क्या किया, हर सैंपल्ड वैल्यूज़ को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते चले गए। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा कर्व बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वो एक साइनोसॉइडल कर्व ही बन रहा है। ये बन तो साइनोसॉइडल कर्व ही रहा, लेकिन ओरिजिनल जो कर्व है उस कर्व से ये कर्व क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो सैंपल्ड सिग्नल की फ्रिक्वेंसी थी वो ओरिजिनल सिग्नल के ट्वाइस से, ओरिजिनल सिग्नल की मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी के ट्वाइस से बहुत कम थी, ठीक है। इसीलिए हमारे पास ये एरर आ रहा है, ठीक है। यही एरर हमारा क्या कहलाता है, एलाइजिंग एरर। तो देखिए, जो तीनों पॉइंट थे हमारे पास वो यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो था वो था हमारा नाइक्विस्ट थ्योरम। उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए, नाइक्विस्ट थ्योरम के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि जो एफ एस है वो ग्रेटर देन होना चाहिए ट्वाइस ऑफ एफ मैक्सिमम, तभी हम ओरिजिनल सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो एग्जांपल नंबर टू जो है वो नाइक्विस्ट थ्योरम को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। सेकंड जो था हमारा वो था एलाइजिंग एरर। एलाइजिंग एरर क्या कह रहा था कि अगर हमारे पास फ्रिक्वेंसी लेस हुई तो हम ओरिजिनल सिग्नल कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे, जो भी सिग्नल जब हमारे पास जनरेट होगा वो ओरिजिनल से काफ़ी डिफरेंट होगा। तो ये जो एग्जांपल नंबर थ्री है वो एलाइजिंग एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो थर्ड पोस्टुलेट था हमारे पास, वोल्वेनो पोस्टुलेट, वो क्या कहता है हमारे पास, वोल्वेन, अच्छा ये हमारे पास रह गया अभी वोल्वेनो पोस्टुलेट। तो ये क्या कहता है कि अगर हमें ओरिजिनल सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास जो हमें सैम्पलिंग करनी होगी वो मोर देन 10 times करनी होगी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो हमने सैंपल कंसीडर किए वो काफ़ी सारे कंसीडर किए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बहुत सारे हमने क्या किए हैं, यहाँ पर सैंपल कंसीडर किए हैं, ठीक है। बहुत सारे सैंपल कंसीडर करेंगे तभी उनको ज्वाइन करके हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो सिग्नल आ रहा है वो ओरिजिनल सिग्नल है या उससे कुछ डिफरेंट, ठीक। तो ये यहाँ पर हमारे पास सैम्पलिंग का जो प्रोसेस है वो ख़त्म होता है, ठीक है। तो सैम्पलिंग में क्या हुआ, ये हमारा कोई भी ओरिजिनल सिग्नल था, जैसे ही हमने इसकी सैम्पलिंग की तो हमारे पास ये क्या मिल गई, ये कुछ इस टाइप से आउटपुट हमें मिल गई, ठीक है। सैम्पलिंग के बाद जो आउटपुट मिल रही है ये है हमारी इनपुट, ठीक है। इनपुट के हम क्या ले रहे हैं, इनपुट के सैम्पल्स हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट सैंपल, ये सेकंड सैंपल, ये थर्ड सैंपल इनपुट का, ये इनपुट का फोर्थ सैंपल, ये नेक्स्ट सैंपल, ये उससे नेक्स्ट सैंपल, ये इनपुट का उससे नेक्स्ट सैंपल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सैंपलिंग प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सैंपलिंग। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो कम्प्लीट होता है कि इनपुट सिग्नल था उसकी सैम्पलिंग करेंगे, तो ये हमारे पास इनपुट की डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हमें क्या मिल जाएंगे, उनके सैम्पल हमें मिल जाएंगे, ठीक है। ये सैम्पल मिल गए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है जो भी सैम्पल्ड वैल्यूज़ हैं उनको उनके नियरेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब हम सैम्पलिंग कर रहे हैं, ये हमारे पास इनपुट जो है वो 5 वोल्ट का है, ठीक है। अब जब मैंने जिस टाइम पर सैम्पलिंग की, ये जो वैल्यूज़ मुझे मिल रही थी वो थी, मान लेते हैं हमारे पास 2.6 वोल्ट, ठीक है। तो हम 2.6 नहीं कंसिडर करेंगे इसको, इसके नियरेस्ट इंटीजर जो कि कितना होगा 3 वोल्ट, उसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब लेट कर लेते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू मिल रही थी वो 4.3 मिल रही थी, तो 4.3 को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, 4 वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है क्वांटाइजेशन, ठीक है। ये हमारे पास सैम्पल्ड वैल्यूज़ थी, इनका क्वांटाइजेशन करेंगे तो जो वैल्यूज़ हैं वो उनके नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी, 1 में 2 में 3 में 4 में 5 में 6 में, ठीक है, कुछ इस टाइप से हमारी कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस कहलाएगा क्वांटाइजेशन। अब क्वांटाइजेशन में हम एक और टर्म यूज़ करते हैं जो कि हमारी कहलाती है रिजोल्यूशन, ठीक है। तो रिजोल्यूशन क्या रिप्रेजेंट करता है, रिजोल्यूशन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारी एक्चुअल वैल्यू थी और जो हमारी क्वांटाइज्ड वैल्यू थी, क्वांटाइज्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के कितना क्लोज है, ठीक है, कितनी क्लोज है वो उसके, वो क्या कहलाता है, हमारा रिजोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। और इसको हम जनरली डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ बिट्स के टर्म्स में, या फिर हम कह सकते हैं रिजोल्यूशन हमारा क्या बनेगा, जो मिनिमम चेंज है हमारा इनपुट सिग्नल के अंदर जो कि हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर डिटेक्ट कर सकता है, वो क्या कहलाएगा, वो रिजोल्यूशन कहलाएगा। और रिजोल्यूशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो रहेगा फुल स्केल रेंज बाय 2i ऑफ नंबर ऑफ 2 raised to the power नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है। तो फुल स्केल रेंज क्या बनेगी, फुल स्केल रेंज होगी अगर ये हमारे पास इनपुट सिग्नल है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा हमारा, ये फुल स्केल रेंज हो जाएगी, मतलब 5 वोल्ट तक जो सिग्नल है वो मैक्सिमम जा सकता है, इसके ज़्यादा नहीं जाएगा। तो क्या हुआ, ये फुल स्केल रेंज क्या हुई, मैक्सिमम वोल्टेज में से मिनिमम वोल्टेज को सब्ट्रैक्ट अगर हम कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, फुल स्केल रेंज आ जाती है, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ बिट्स हमारे पास n है तो ये क्या बन जाएगा, 2 raised to the power n। और यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, समटाइम्स हम इसको लिखते हैं रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है, वी रेफरेंस भी हम इसको लिखते हैं। तो देखिए हमारे पास वी रेफरेंस क्या होता है, वी रेफरेंस का मतलब है ये हमारे पास रेफरेंस वोल्टेज 5 वोल्ट, ठीक है, जो हमारे पास फुल स्केल रेंज है उसी को हम यहाँ पर रेफरेंस वोल्टेज बोल रहे हैं, फुल स्केल रेंज, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ बिट्स, और 2 की पावर n का क्या मतलब हो जाएगा कि कितने हमारे लेवल्स बनेंगे क्वांटाइजेशन के, ठीक है। अभी हम इसको फिर से स्टडी करने वाले, समझने वाले हैं कि ये जो रिजोल्यूशन हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इस रिजोल्यूशन का क्या मतलब है। रिजोल्यूशन का मतलब है गिवन इनपुट वोल्टेज को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, कितने इक्वल पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए अभी हम समझते हैं इस रिजोल्यूशन टर्म को, तो उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल में हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, जो नंबर ऑफ बिट्स है वो कितनी है, वो 2, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2, ठीक है। तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4, मतलब कितने लेवल बनेंगे क्वांटाइजेशन के, 4 लेवल्स हमारे पास बनेंगे, ठीक है। अगर n की वैल्यू 3 कंसीडर कर लेते हैं तो क्या बनेगी, 2 raised to the power 3, मतलब 8 हमारे पास डिस्क्रीट लेवल बनेंगे क्वांटाइजेशन के, ठीक है। अब लेट करते हैं जो हमारे पास गिवन इनपुट वोल्टेज है, ठीक है, उसकी फुल स्केल रेंज जो है, या फिर कह दो रेफरेंस वोल्टेज जो है, वो कितनी है, वो 10 वोल्ट है, ठीक है। और जो नंबर ऑफ बिट्स हम कंसीडर कर रहे हैं वो इस केस में 3 कंसीडर कर लेते हैं, तो रिजोल्यूशन क्या था, रिजोल्यूशन था फुल स्केल रेंज बाय 2 raised to the power नंबर ऑफ बिट्स, तो मतलब 10 वोल्ट बाय 2 raised to the power 3, 10 by 8, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस गिवन 10 वोल्ट को हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। डिवाइड करते ही कितनी वैल्यू आ रही है, 1.25 वोल्ट, तो इसका मतलब 1.25 + 1.25 + 1.25 + 1.25, इस टाइप से अगर हम इसको 8 टाइम्स सम करते हुए चले जाए तो टोटल वैल्यू कितनी मिल जाएगी, वो 10 वोल्ट हमें मिल जाएगी। तो इसका मतलब गिवन 10 वोल्ट को हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 1.25 वोल्ट। तो इसका मतलब जो ADC है हमारा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, वो मिनिमम कितने चेंज
चेंज को डिटेक्ट कर सकता है, इस 1.25 को डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है, 0 और 1.25, ठीक है, ये वैल्यूज़ है। इनके बीच में सभी वैल्यूज़, जो भी वैल्यूज़ आएंगी 0.1, 0.2, 0.3, उन वैल्यूज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1.25 जब वोल्ट हमारे पास सिग्नल आएगा तभी ये क्या कर सकता है, उस चेंज को डिटेक्ट कर सकता है। मतलब मिनिमम जो वोल्टेज चेंज है एडीसी का वो कितना डिटेक्ट हो सकता है, वो 1.25 हो सकता है, उससे लेस वाले को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, उससे लेस वाले के लिए क्या आउटपुट देगा, वो जीरो आउटपुट देगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास रेफरेंस वोल्टेज 1 वोल्ट है और जो नंबर ऑफ बिट्स है वो 3 ही है, तो इसका मतलब रिजोल्यूशन क्या हुआ, रिजोल्यूशन का मतलब हुआ उस 1 वोल्ट को, ठीक है, उस 1 वोल्ट को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 इक्वल पार्ट्स में गिवन वोल्ट को डिवाइड करना। तो इसका मतलब 8 इक्वल पार्ट डिवाइड कर रहे हैं तो इसकी हर एक की वैल्यू कितनी होगी, 1/8, 1/8, ठीक है, ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है हर एक पे 1/8, तो ये बनता चला जाएगा 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 एंड लास्टली 8/8, मतलब 1 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास है 1 वोल्ट को हमने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 8 इक्वल पार्ट्स में, तो वैल्यू कितनी आई, 0.125 वोल्ट। तो इसका मतलब जो एडीसी है अगर उसके लिए रेफरेंस वोल्टेज 1 वोल्ट है और नंबर ऑफ बिट्स 3 है, तो इसका मतलब वो जो एडीसी है वो मिनिमम जो है कितने चेंज को डिटेक्ट कर सकता है, जब हमारे पास इनपुट 0.125 वोल्ट से चेंज होगी तब वो क्या कर पाएगा, उसको डिटेक्ट कर पाएगा, उससे कम ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, रिजोल्यूशन होता है। अब रेफरेंस अगर 10 वोल्ट है तो ये, और n हमारे पास 8 है, ठीक है, रेफरेंस वोल्टेज 10 वोल्ट है और जो नंबर ऑफ बिट्स है वो हमारे पास 8 है, तो 10 वोल्ट को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 2^8 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, और अगर इसको सोल्व करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, 0.039 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जो हमारा एडीसी है, ठीक है, वो मिनिमम कितने चेंज को डिटेक्ट कर सकता है, 0.039 वोल्ट को, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे ही हमारी इनपुट 0.039 वोल्ट से चेंज होगी तो उस टाइम पे हमारे पास ये क्या कर लेगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा एडीसी, ठीक है। तो एडीसी, तो अगर हमें रिजोल्यूशन को बढ़ाना, मतलब मिनिमम से मिनिमम चेंज को अगर हमारा एडीसी डिटेक्ट कर सके, तो उसके लिए क्या करना होगा, एक तो जो रेफरेंस वोल्टेज है, ठीक है, यहाँ पर थी 10 वोल्ट, यहाँ पर थी 1 वोल्ट, तो किसका रिजोल्यूशन ज़्यादा था, इसका। तो अगर वोल्ट सेम नंबर ऑफ बिट्स के लिए यहाँ पर हम रेफरेंस वोल्टेज देख रहे हैं, तो जिसकी रेफरेंस वोल्टेज कम होगी वहाँ पर रिजोल्यूशन ज़्यादा होगा। सेकेंडली यहाँ पर देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल में यहाँ पर क्या था हमारे पास, यहाँ पर था 10 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पर था 10 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास था 10 वोल्ट, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर रहे थे 3 बिट्स के अंदर, ठीक है, 8 इक्वल पार्ट्स में, मतलब 3 बिट के लिए 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पर भी गिवन 10 वोल्ट को हम क्या कर रहे थे, 2^8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, तो यहाँ पर आ रहा था 1.25, यहाँ पर कितना आ रहा था, 0.039। तो इसका मतलब किसका रिजोल्यूशन बेटर होगा, जिसके लिए नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब अगर हमें रिजोल्यूशन को इनक्रीज करना है तो उसके लिए जो फुल स्केल रेंज है या रेफरेंस वोल्टेज है उसको तो डिक्रीज करना पड़ेगा, और जो नंबर ऑफ बिट्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उनको इनक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, अगर हमें अच्छा रिजोल्यूशन अगर हमें चाहिए, एडीसी को बेटर रिजोल्यूशन अगर हमें देना है, तो उसके लिए ये दो कंडीशंस हमें यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक। अब हम क्या कह रहे हैं, अगर यही एग्जांपल हम कंसीडर करें 1 वोल्ट वाला, जिसको हमने डिवाइड किया था 8 इक्वल पार्ट में, मतलब 3 बिट्स के लिए, तो हमारे पास ये क्या थी, 0 से 1 वोल्ट थी हमारे पास, और इसको कितने में डिवाइड कर दिया, 8 इक्वल पार्ट्स में, मतलब 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8, ठीक है। तो 1 वोल्ट को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये हमारी एनालॉग इनपुट थी 1 वोल्ट की, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, अभी हमने पढ़ा कि हमारा जो एडीसी है वो कब तक जीरो आउटपुट देगा, जब तक हमें चेंज 1/8 का नहीं मिलता तब तक जीरो आउटपुट देगा, मतलब उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा उस चेंज को। तो 0 और 1/8 के बीच में जो भी वैल्यूज आएंगी उनके लिए आउटपुट क्या मिलेगी, उनके लिए जीरो आउटपुट मिलेगी। लेकिन जैसे ही हमें 1/8 का चेंज मिलेगा,
ठीक है, जीरो से कितना चेंज हो गया, 1/8। तो 1/8 का चेंज जैसे ही मिलेगा तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ से फ्लिप कर जाएगा, ठीक है, यहाँ से इनपुट को क्या कर देगा, यहाँ पर ये चेंज शो करेगा। तो इन ये जो वैल्यू है ये कहाँ तक जाएगी, ये इनपुट वैल्यू तक जाएगी। इनपुट यहाँ पर कितना है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगी, ठीक है, इनपुट वैल्यू तक ये चेंज जाएगा। फिर उसके बाद फिर से क्या होगा, 1/8 के बाद जब तक 2/8 नहीं आ जाता, मतलब नेक्स्ट 1/8 का डिफरेंस नहीं आ जाता, तब तक ये वैल्यू क्या चलेगी, हमारी जीरो चलेगी, डिटेक्ट नहीं कर पाएगा इस चेंज को। फिर से जैसे ही 2/8 आएगा तो ये क्या कर जाएगा, ये इनपुट को चेंज कर जाएगा। कहाँ तक चेंज कर जाएगा, जहाँ तक हमारी इनपुट वोल्टेज थी वहाँ तक ये चेंज कर जाएगा। अब उसके बाद 2/8 के जस्ट बाद, ठीक है, जो भी वैल्यूज आ रही है 3/8 से पहले, उनके लिए फिर से क्या आएगी, आउटपुट जीरो आ जाएगी। जैसे ही 1/8 का डिफरेंस और बढ़ जाएगा तो ये फिर से क्या कर जाएगा, फ्लिप कर जाएगा, इसकी वैल्यू कहाँ तक चली जाएगी, इनपुट वोल्टेज तक चली जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास ये क्या बनती रहेगी, ये आउटपुट बनती रहेगी। ये था हमारा इनपुट, ठीक है, इनपुट तक ये हमारे पास वैल्यूज, इनपुट ये हमारा इनपुट था, और ये जो आपको स्टेप केस दिखाई दे रहा है ये हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। तो ये जो आउटपुट है फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डिजिटल डेटा के अंदर। तो ये हमारे पास था जीरो, ये 0 0 0, ये हो जाएगा 0 0 1, फिर ये बनेगा 0 1 0 0 1 1। इस टाइप से हमारे पास डिजिटल आउटपुट क्या है, चलती रहेंगी। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, फुल स्केल रेंज तक, और फुल स्केल रेंज आएगी तो ये मैक्सिमम कितनी वैल्यू देगा, ये मैक्सिमम 7 दे सकता है, ठीक है। तो हर 0.125 के वोल्ट के डिफरेंस पर जो वैल्यूज़ हैं, जो इनपुट है वो क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। तो इस टाइप से हमारे पास ये आउटपुट हमें मिलता चला जाएगा। वी विल गेट एन इंक्रीज ऑफ 1 step व्हेन इनपुट वोल्टेज इज 0.125 और ग्रेटर देन दिस। जैसे ही इतनी वैल्यू का चेंज आएगा तभी हमारे पास वो 1 step क्या हो जाएगी, वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगी, डिजिटल आउटपुट मिलेगी इस टाइप से, स्टेप केस आउटपुट हम इसको कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1/8 का डिफरेंस आते ही वैल्यू पहले 0 थी, फिर क्या मिल जाएगा, ये डिजिटल आउटपुट 0 0 1 मिल जाएगी। नेक्स्ट 1/8 के डिफरेंस पे ये 2 मिल जाएगी, नेक्स्ट 1/8 के डिफरेंस पे ये 3 मिल जाएगी, नेक्स्ट 1/8 के डिफरेंस पे ये 4 मिल जाएगी। तो इस टाइप से हमारे पास ये आउटपुट चलती रहेगी, ठीक है। अब हम कहते हैं, अब हम बात करते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन कर्व की, ठीक है। तो पहले तो ट्रांसफ़र फंक्शन कर्व होता क्या है, ट्रांसफ़र फंक्शन कर्व वो कर्व होता है जो हम ड्रॉ करते हैं एनालॉग इनपुट और डिजिटल आउटपुट के बीच में, ठीक है। एनालॉग इनपुट और डिजिटल आउटपुट के बीच में जो कर्व ड्रॉ किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसफ़र फंक्शन कर्व कहलाता है। इधर हम एनालॉग इनपुट दे रहे हैं और इसके करस्पोंडिंग डिजिटल आउटपुट हम देख रहे हैं, और ये जो हमने रिजोल्यूशन पढ़ा है ये 3-bit के लिए पढ़ा था। तो ये जो हमारा कर्व बन रहा है एनालॉग इनपुट और डिजिटल आउटपुट के बीच में, ये हमारा क्या कहलाएगा, 3-bit ADC ट्रांसफ़र फंक्शन कर्व, ठीक है। और अगर हम आइडियल ट्रांसफ़र फंक्शन की कर्व की बात करें तो वो क्या आता है, वो एक स्ट्रेट लाइन आती है इस टाइप से, कि इनपुट वोल्टेज बढ़ाओगे आपके पास डिजिटल आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ती रहेगी, एक स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है कि अगर हम इसकी स्लोप निकालें स्ट्रेट लाइन की तो वो क्या आएगी, वो इनफाइनाइट आएगी। तो इसका मतलब जो हमारे पास उसका रिजोल्यूशन होगा वो कितना होगा, वो इनफाइनाइट होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इस प्रैक्टिकल 3-bit ADC ट्रांसफ़र फंक्शन कर्व की बात करें तो उसका जो रिजोल्यूशन है वो कितना है, वो है 0.125 वोल्ट। अब यहाँ पर हर एक स्टेप पर जहाँ पर हमारे पास जो इनपुट है वो किस में फ्लिप कर जाती है, नेक्स्ट वैल्यू के अंदर फ्लिप कर जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम 1 LSB कहते हैं, ठीक है। 1 LSB क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। LSB का क्या मतलब होता है, LSB का मतलब होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब हम इसको क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो चेंज आ रहा है ये 1 LSB का आ रहा है, ठीक है। 1 LSB चेंज क्यों बोल रहे हैं, देखो ये होता है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2,
ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो LSB क्या है, ये हमारी LSB है, ये हमारी बन जाएगी MSB, ठीक है। यहाँ पर ये है LSB, तो हमने पढ़ा है कि हम वैल्यूज़ कैसे लिखते हैं, 0101 0101, इधर होता है फिर 2 times 0 2 times 1 2 times 0 and then 2 times 1, फिर इधर हो जाता है 4 times 0 and then 4 times 1, ऐसे ही चलता रहता है। तो देखिए जब LSB की बात कर रहे हैं तो LSB में पहले क्या था, 0, फिर नेक्स्ट में क्या हो गया, फिर से चेंज, फिर उससे नेक्स्ट में फिर से चेंज, उससे नेक्स्ट में फिर से चेंज, उससे नेक्स्ट में फिर से चेंज, 0101 0101। लेकिन उससे अगर नेक्स्ट में देखते हैं तो उसके बाद वही सेम रहती है, उसके बाद चेंज होती है, फिर सेम रहती है, फिर चेंज होती है, फिर सेम रहती है, फिर चेंज होती है। तो मतलब जो मिनिमम चेंज हमारे पास आ रहा है वो किस में आ रहा है, वो LSB के अंदर ही आ रहा है। 0 के बाद फिर से चेंज हो गई 1, 1 के बाद फिर से चेंज हो गई 0, 0 के बाद फिर से चेंज हो गई 1, 1 के बाद फिर से 0, 0 के बाद फिर से 1, 1 0। तो जो मिनिमम चेंज हमारा आ रहा है वो किस में आ रहा है, वो LSB में आ रहा है। और ये जो हमारा हम ADC स्टडी कर रहे हैं उसमें जो रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन किसको बताता है, मिनिमम चेंज को ही तो बताता है। तो इसका मतलब मिनिमम चेंज इस वाले केस के लिए कितना आ रहा था, 1/8, तो इसका मतलब 1/8 क्या हो गया, यहाँ पर 1 LSB हो गया, ठीक है। मिनिमम चेंज को बता रहा है तो ये हमारा क्या हो गया, ये LSB हो गया। तो ये हमारा है LSB जो कि है 1/8, मतलब 0.125 वोल्ट। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रिजोल्यूशन, कि कितना रिजोल्व कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास था क्वांटाइजेशन और रिजोल्यूशन के बारे में, ठीक है। अगर वैल्यू हमारे पास इस केस में लेस देन 0.125 वोल्ट हुई तो हमारे पास ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा इस चेंज को, उसके लिए आउटपुट क्या मिलेगी, उसके लिए आउटपुट हमारी उस टाइम के लिए हमारे पास आउटपुट 0 रहेगी। जैसे ही चेंज आएगा 1/8 का, तो आउटपुट जो है वो क्या आ जाएगी, 1 स्टेप से इनक्रीज कर जाएगी, ठीक है, इनपुट वैल्यू तक पहुंच जाएगी, इनपुट वैल्यू तक, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास होल्ड किया, होल्ड करने के बाद जैसे ही 1/8 का डिफरेंस आया तो वैल्यू चेंज कर कितनी हो गई, इनपुट वैल्यू तक हो गई, ठीक है। फिर क्या हुआ, उससे नेक्स्ट वैल्यूज़ के लिए ये चेंज को डिटेक्ट नहीं कर सकता, तो उतने टाइम के लिए होल्ड करके रखेगा, या फिर कह सकते हो 0 आउटपुट देगा। उसके बाद जैसे ही 1/8 का डिफरेंस आया तो ये फ्लिप कर जाएगा उसकी इनपुट वैल्यू तक, ठीक है। अब जैसे ही 7/8 से नेक्स्ट वैल्यू जो आती हैं उनके लिए फिर से ये उतने टाइम के लिए होल्ड करके रखेगा, या कह सकते हैं 0 आउटपुट देगा। और देन जैसे ही 1/8 का डिफरेंस आएगा तो चेंज हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास क्या आता है, ये ADC का करवाता है ट्रांसफर फंक्शन का। तो ये हमने सारा कुछ पढ़ लिया है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है रिजोल्यूशन के बारे में। लेकिन जब हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, क्वांटाइजेशन का जो प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है एरर, कि अगर हमारे पास 0.125 का रिजोल्यूशन है, ठीक है, तो 0 से जब वैल्यू चेंज होगी 0.125 तक, तभी वो डिटेक्ट कर पाएगा। इससे पहले जो वैल्यूज़ है 0.124 0.123 या 0.0 के बाद 0.1 0.2 0.3, इन वैल्यूज़ के लिए ये हमारे पास जो चेंज है उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। उसके लिए ये वैल्यू जो दे रहा है वो कितनी दे रहा है, वो 0 दे रहा है। तो इसका मतलब इस वजह से क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। तो ये जो एरर आ रहा है क्वांटाइजेशन की वजह से, वो हमारा क्या कहलाता है, क्वांटाइजेशन एरर कहलाता है। और जो क्वांटाइजेशन एरर है वो कितना है, वो इतना है 1 LSB के इक्वल, कि जब हमारे पास वैल्यू इतने अमाउंट से चेंज होगी तभी वो क्या कर सकता है, तभी वो आउटपुट को, तभी हमारे पास जो वैल्यू है वो फ्लिप कर सकती है, तभी हमारे पास जो इनपुट की वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा एरर है, ठीक है। तो एरर कितने का आ रहा है, 1 LSB का आ रहा है, जो कि है 0.125 वोल्ट, ठीक है। और अगर इस एरर को हमें रिड्यूस करना है तो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इस अगर हम इस LSB को डिक्रीज कर दें, ठीक है, ये जो हमारा LSB था अगर हम इसको डिक्रीज कर देते हैं, लेट हमारी ये 1 LSB का चेंज था, अगर हम इसको रिड्यूस कर 1/2 LSB का मान लीजिए चेंज कर देते हैं, तो हमारे पास अब जो वैल्यूज है वो क्या हो जाएंगी, 0.125 का हाफ कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगी, 0.06
0.25, मतलब अब जो हमारा एडीसी है वो 0 से 0.0625 के वैल्यू के चेंज को क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। तो एरर क्या हो गया, पहले के कंपैरिजन में हाफ हो गया, रिड्यूस हो गया। तो रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, इस ट्रांसफ़र फंक्शन कर्व को लेफ़्ट की तरफ अगर हम शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, तो जैसे ही लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो ये जो 1 LSB का चेंज था वो कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ़ LSB में। तो मतलब 1/8 का भी क्या हो जाएगा, हाफ़ हो जाएगा, 1/16 बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब जब चेंज हमारे पास 1/16 का आएगा तब हमारे पास क्या हो जाएगी, आउटपुट चेंज हो जाएगी। 1/16 पर ये आउटपुट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इस टाइप से इस क्वांटाइजेशन एरर को क्या किया जा सकता है, वो रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है, तो यहाँ पर हमारा सेकंड प्रोसेस जो था वो ख़त्म होता है। फर्स्ट हमारा था सैम्पलिंग, सेकंड था हमारा क्वांटाइजेशन, अब हम बात करने वाले हैं एनकोडिंग की, ठीक है। जो थर्ड प्रोसेस है वो है एनकोडिंग। तो क्या होता है एनकोडिंग के अंदर, एनकोडिंग का मतलब है जो भी क्वांटाइज्ड वैल्यू हैं उनको डिजिटल नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करना, मतलब 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना, उनको एनकोड करना क्या कहलाता है, एनकोडिंग कहलाता है, ठीक है। तो जो पूरा प्रोसेस है वो हम कैसे दिखा सकते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर प्रोसेस को। ये हमारे पास एक एनालॉग सिग्नल था, सबसे पहले हमने दिया उसको सैम्पल एंड होल्ड सर्किट, जहाँ पर इस एनालॉग सिग्नल की क्या हो रही है, सैम्पलिंग। और सैम्पलिंग का पूरा प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं, क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, और कौन कौन से पोस्टुलेट हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या प्रोसेस था कि जो भी हमारे पास सैम्पल्ड वैल्यूज़ आएंगी उनको हम क्या करेंगे, नियरेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज़ के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, क्वांटाइजेशन। अब जो भी पॉसिबल वैल्यूज़ हमारे पास आ रही है 1, 2, 3 वोल्ट जो भी है, उनको क्या करना है, उनको डिजिटल वैल्यूज़ के अंदर कन्वर्ट करना है। तो उसका काम कौन करेगा, उसका ये काम एनकोडर करेगा। तो इस टाइप से हमारा एनालॉग सिग्नल जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, डिजिटल सिग्नल के अंदर। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।